नमस्कार। अधिकतर लोगों की क्या आदत होती है पता? मुझे लगता है कि तकरीबन 60 या 70% लोगों की यही आदत होती है। वो घर से निकले नहीं किसी काम के लिए या कहीं फंक्शन के लिए या ऑफिस के लिए या कहीं किसी जगह के लिए। किसी दोस्त ने फोन किया कि भाई कब आ रहे हो तुम, आप क्या करोगे? घर से निकले भी नहीं हो, बाइक भी स्टार्ट नहीं की, कार भी स्टार्ट नहीं की, और आप क्या करोगे? बस 5 मिनट में आ रहा। ये बहाना हर लोगों को रहता है। और वो 5 मिनट कितना होता पता आपको? 5 मिनट तकरीबन आधा घंटा हो जाता है। अधिकतर लोग यही कहते हैं, अरे यार एक बात हो, चलो आप किसी कारण से लेट हो गए या किसी कारण से। और अधिकतर लोग क्यों बोलते हैं, अरे यार मैं समय पे नहीं पहुंचा, बस उसको को अभी मेरे को आधा घंटा लग जाए, बस उनको को 5 मिनट से पहुंच रहे। मतलब एक डर की मां अपना मन में पैदा होती है, और समय पे नहीं पहुंचेंगे तो यार वो क्या कहेंगे। हो सकता है कि आप किसी के कारण से लेट हो चुके हो सकता है कि किसी कारण से आप समय पर नहीं पहुंच पाए, तो उनको क्लियर बोले कि यार सॉरी मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा वहां पहुंचने में। आप ऐसे कह सकते हो। वो हो सकता है कि आप पे थोड़ा बहुत नाराज हो, लेकिन ये बात नहीं कि आप उस जब आप उसको 5 मिनट कहोगे, जब आधे पौन घंटे आप पहुंचोगे तो वो और आप पे ज्यादा नाराज होगा। इसलिए अपने फिर आपको क्या होगा, अरे यार कुछ नहीं यार, फिर आपकी एक लोगों के आप में लोगों के अंदर आपकी इमेज क्या बन जाएगी, अरे कुछ नहीं यार तो 5 मिनट कहता है, 1 घंटे से था उसकी आदत तो हम जानते हैं। हो सकता है कि मैं भी कभी आप समय पर पहुंच भी जाओ तो भी लोगों को बिलीव नहीं होगा, अरे यार ये समय पर आ गया, ये तो हमेशा ये कहता 5 मिनट में आ रहा और आधे घंटे में आता है, 1 घंटे में आता है। इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन ट्रुथ बोलने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको नाराजगी सहन करनी पड़े, लेकिन करो, लेकिन झूठ मत बोलोगे। और ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अधिकतर तो लोग ये करते हैं, बस 10 मिनट में आ रहा हूं, बस 15 मिनट में आ रहा हूं, आधे घंटे की होगी तो 1 घंटे में आएंगे, 1 घंटे की होगी तो 2 घंटे की आएंगे। ऐसे क्या है? हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा है तो उस टाइम लगने दीजिए, लेकिन बार बार ये आपको लगता, ये आप सोच रहे हो यार ये तो सर क्या है, ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। आपके लिए बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन बहुत से बड़े लोग हैं ना इसको बड़ी मिस्टेक मानते हैं, समय पर नहीं पहुंचना। आप तो मान रहे हो यार यार क्या है, बस 5 मिनट ही है, और वो पांच मिनट आपके लिए है। जब आप पहुंचते हो ना तो आप आधे घंटे में पहुंचते हो, और सामने वालों को क्या कहते हो, अरे यार मैं तो 5 मिनट ही तो लेट था यार, व्हाट इज दिस, 5 मिनट लेट थे आप, आधा घंटा लेट थे। आपके लिए बात छोटी हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए बड़ी बात है। समय पर नहीं पहुंच पाओ कोई बात नहीं, एग्जैक्ट टाइम बताओ। हाँ एग्जैक्ट टाइम से 10-12 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप 5 मिनट का अगर आधा घंटा करोगे ना ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप 1 घंटे के 2 घंटे करोगे ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हो सकता है कि आप किसी काम में बिजी हो या कभी कभी आप लेट हो गए, तो ऐसे बार बार ऐसे नहीं बोलो बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो 5 मिनट कितने ही हो जाता है आप खुद को ही पता नहीं चलता। ये एक छोटी सी मिस्टेक है अपनी लाइफ की, और हर इंसान करता है, लेकिन आपको नहीं करनी है। अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आपको लोगों के बीच में अगर अपनी इमेज बनानी है, तो एग्जैक्ट टाइम बताइए। हो सकता है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिस टाइम से पहुँच रहे हो उसको 10 मिनट ज़्यादा बताओ। अगर आपको कहीं पहुंचने में 20 मिनट लग रहे हैं, एग्जैक्ट 20 मिनट, तो आप कहोगे मेरे को आधा घंटा लगेगा, तो सामने वालों को तो पता चलेगा हाँ आधे घंटे में आएगा। हो सकता है आप 20 मिनट में पहुंचे हो, वो खुशी होगी, अरे वाह यार आधा घंटा का तो 20 मिनट में आ गए, वो हैप्पी होंगे। आप ऐसा कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, 5 मिनट की जगह आधा घंटा कभी मत करना। यह आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है।